तो भाई सबसे पहली तो आपकी क्वेरी ये होगी सर पहले तो ये बताइए मैथ्स तो में तो इन्फिनिटी पढ़े थे अकाउंटेंसी में इन्फिनिटी क्या होता है अकाउंटेंसी में इंफिनिटी जर्नल होता है चल ये कभी भी खत्म नहीं होता एवरी ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स जर्नल देन इट विल हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां जाके उसकी जर्नी खत्म होती है तो गौमुख ग्लेशियर से लेकर गंगा जी निकली और गंगा सागर में जाके बे बंगाल में मिल जाती तो तो वही पे भी है सो अगेन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपने पढ़ी थी डराने धमकाने के लिए हमारे ऑथर्स ने एक अलग चैप्टर बना दिया उसको जीएसटी के नाम पे ताकि बुक का साइज थोड़ा मोटा हो जाए और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रियलिटी में ये वही जर्नल है सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस व्हाट इज जीएसटी पहले ये समझ समझने कि टैक्स क्या होता है टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट दैट मी योर पेरेंट्स योर बिजनेस हाउसेस नीड टू पे टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स दैट मनी इन द बेनिफिट ऑफ मोर ऑफ द पुअर रादर देन ऑन मी एंड यू अमिताभ बच्चन जी अगर गवर्नमेंट गर को पांच करोड़ रुपए इनकम टैक्स साल भर में दे चल रहे हैं क्या गवर्नमेंट उनके घर गर के सामने सोने चांदी का गार्डन बनवा देगी शायद गवर्नमेंट पांच रुपए भी खर्च नहीं करेगी उनके ऊपर सो टैक्स लिया तो रिच कम्युनिटी से जाता है और खर्च गरीबों पे किया जाता है तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी रॉबिन हुड पांडे है समझ में आई बात सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट एंड सेम इज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी खोपड़े में बात गई पक्का सो चिल्ड्रन वी हैव टू टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया या बोल सकते हैं कि लगभग हर कंट्री में दो तरह के टैक्सेस होते हैं बट हम इंडियन कॉन्टेक्स में ज्यादा बात करेंगे वी हैव द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टाइप ऑफ टैक्स चिल्ड्रन व्हिच इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसको गवर्नमेंट ने आपके ऊपर थोपा एंड यू आर ओनली गोइंग टू पे इट जिसके ऊपर इंपोज किया गया वही पे करेगा इट इज नोन एज इन इंडिया अर्लियर वी हैड मेनी एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज बट नाउ वी है

Got it clear, but when the tax is imposed on buying a ticket of a cinema theater, say PVR cinemas, so it is imposed on somebody else, but its final incidence falls on somebody else. This type of tax is known as what children indirect, indirect tax. Logic understood well, yes or no, children. उटनी प्रॉब्लम आ रहा था इन टैक्सेस को मॉनिटर करने में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वो देर सो इट वॉज थॉट इन सारों को मिलाकर एक कर दिया जाए एंड चिल्ड्रेन दे मेड अ न्यू टाइप ऑफ टैक्स विच इज कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स तो पहले गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता था सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है समझ में आई बात समझ में आई बात सो इंपैक्ट एंड इंसिडेंट अगर सेम पर्सन पे है तो वो डायरेक्ट डिफरेंट पे है तो इनडायरेक्ट सो क्वेश्चन अराइजेस की सर इस जीएसटी की जरूरत क्या थी जरूरत यह थी चिल्ड्रन वी हैड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस टैक्सेशन डिपार्टमेंट थोड़ा सा ब्राइब के चांसेस भी ज्यादा हो जाते थे डिपार्टमेंट एक हो जाएगा तो लोग काफी कम ब्राइब वगैरह लेंगे क्योंकि सब एक कंट्रोल में आ गए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को जो मैनेज करने पे होता था वो कम हो गया जॉब्स भी कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली बात है रेड्यूस हुए एंड मैनुपुलेशन की जहां तक बात करने चल रहे हैं आई कैन नॉट से की जीरो हो चुका है बट अप टू अ लार्ज एक्सटेंट मैनुपुलेशन ऑफ टैक्स गॉन डाउन क्यों क्योंकि जीएसटी में व्हाट्सएवर इज द टैक्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चिल्ड्रेन इट इज ऑल ऑनलाइन आई रिपीट चिल्ड्रेन इट इज ऑल ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम जैसा कुछ है ही नहीं तो so जब सब कुछ ऑनलाइन चलेगा मैनुपलेशन इज कम्पेरेटिवली वेरी लेस एंड टू ब्रिंग द होल नेशन अंडर वन टाइप ऑफ टैक्स इज दिस हर्ड वेल अंडरस्टूड बाई ऑल चलिए तो अंडरस्टूड एवरीबडी चिल्ड्रेन अब जीएसटी जो चार्ज होता है वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से चार्ज होता है कुछ चीजों पे आज भी ये जीरो, जीरो परसेंट है पहले लगभग सारे फूड स्टफ पे जीरो ही था बट अभी रिसेंटली लास्ट मीटिंग जो हुई उसपे मिल्क राइस के जो छोटे पैक्स हैं उन सब पे भी जीएसटी लगने लग गया है स्टिल सर्टन आइटम्स आर एग्जेम कॉमन यूज आइटम्स काफी होते हैं जिसपे जीएसटी लगता है फाइव परसेंट कुछ पे ट्वेल्व है कुछ पे एटीन है एंड लग्जूरियस आइटम्स पे चिल्ड्रेन इट इज ट्वेंटी एयर कंडीशनर्स हो गए पहले वॉशिंग मशीन पे ट्वेंटी सर गोल्ड भी तो लग्जूरियस आइटम है क्या उस परसेंट जीएसटी है उस पर ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी लगा देगी गवर्नमेंट तो क्या होगा स्मगलिंग करने लग जाएंगे लोग क्योंकि बाहर से सस्ता आ जाएगा इंडिया के अंदर तो गोल्ड पे जो जीएसटी लगता है दैट इज जस्ट थ्री परसेंट तो अगर आपने कभी गोल्ड किसी को खरीदते हुए बिल पे देखा हो वैसे तो इंडिया में लोग गोल्ड विदाउट बिल ही खरीदते हैं उसके भी क्या रीजन है पता है लोगों को तो बट अगर बिल पे आप खरीदते हैं तो दे चार्ज थ्री परसेंट जीएसटी गॉट इट क्लियर एंड क्वेश्चन सर ये कुछ हमें नजर आ रहा है डायवोर्स हो गया सर यहाँ पे डायवोर्स नहीं हुआ है जब भी आप जीएसटी पे करेंगे कुछ खरीदने पे या एज अ बिजनेसमैन प्रोडक्ट सेल करने पे वसूलेंगे चल सम पोर्शन विल गो इन टू द पॉकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड समुड गो इन टू द पॉकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आया कि नहीं mm -hmm. तो हम पहले वाले को बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरे वाले को बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स सुनाई पड़ गई बात समझना पड़ेगा आपको ये कि जीएसटी इंपोज करने की नौबत क्यों आई या जीएसटी के पहले भी चिल्ड्रन टैक्स सिस्टम हुआ करता था जिसे वैट बोलते थे उसको भी इंपोज करने की नौबत क्यों आई टेक एन एग्जाम्पल अ सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ही सेल्स द गुड्स टू मिस्टर बी बी फर्दर सेल्स इट टू सी एंड डी फाइनल सी फाइनली सेल्स इट टू मिस्टर डी हु इज द अल्टीमेट कंज्यूमर डी ये बात समझ में आ गई मिस्टर ए ने कुछ इनपुट्स अरेन्ज किए एंड मिस्टर बी को प्रोडक्ट बेचा फोर्टी थाउजेंड रुपीज में मिस्टर बी ने अपने सो कॉल बिजनेस हाउस में परचेज किया यू कैन से एज अ फार्मर इसने गेहूं उगाई वो वीट इसने मिल वाले को मिस्टर बी को बेच दी फोर्टी थाउजेंड में बी ने आउटपुट को प्रोसेस किया गेहूं खरीदी मशीन में क्रश किया राइस में सो so कॉल्ड मैदे में कन्वर्ट किया and 50, रुपी में इट सोल्ड टू था सी का काम पैकिंग ब्रांडिंग वगैरह का है सी बड़ी बड़ी बोरी में सौ सौ किलो आटा वगैरह मैदा खरीदता है और उसको छोटे वन के जी फाइव के जी पैक्स में भरता है और मार्केट में बेचता है लोगों को एंड सी

वो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो है नहीं फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भारत सरकार ने फ्री में इसको दे दिए हैं, बीज वगैरह भी फ्री में दे दिए हैं, सिर्फ इसकी अपनी मेहनत है तो फोर्टी well? अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई कंट्री कैसे चलेगी और कंट्री को चलाने के लिए हमें टैक्स चाहिए फोर्टी थाउजेंड पे गवर्नमेंट ने टेन परसेंट टैक्स इंपोज कर दिया तो चिल्ड्रन मिस्टर ए ने फोर्टी थाउजेंड में प्रोडक्ट बेचा था यस यस और और नो नो एंड ऑफ दैट आउट टू बी तो गवर्नमेंट को मिस्टर ए फोर थाउजेंड रुपीज टैक्स देते हैं दो इन इंडिया एग्रीकल्चरल yes. इनकम इज एक्सम फ्रॉम टैक्स आप इसको फार्मर की जगह कोई फैक्ट्री ओनर समझ लीजिए बट हमको तो टैक्स का कॉम्पोजिशन समझना है कि कैसे इसका मूवमेंट होता है लोगों से गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट विल गेट एन इनकम ऑफ चिल्ड्रन ऐसा किसी जमाने पे सेल्स टैक्स रेजीम में इंडिया में चला करता था आई एम सकते हो आप गवर्नमेंट के पढ़े लिखे लोगों ने एनालिसिस किया ये जो प्रोडक्ट मिस्टर ए फोर्टी का बी को बेचते हैं बी सी को बेचता है, और सी डी को बेचता है फाइनली डी गेट्स इट एट वट प्राइस अगर यही सेवेंटी फाइव थाउजेंड पे टैक्स चार्ज हो टेन परसेंट तो गवर्नमेंट की अर्निंग ऑलमोस्ट डबल है फोर थाउजेंड का डबल इज तो ऑलमोस्ट डबल है तो गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट और एट द एंडिंग पॉइंट एट द एंडिंग पॉइंट तो गवर्नमेंट ने कहा अब टैक्स फर्स्ट वैल्यू पे कभी नहीं कैलकुलेट होगा इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स टैक्स इसीलिए इसको नाम दे दिया गया बट इसमें एक प्रॉब्लम आने लग गई मिस्टर ए द फार्मर सोल्ड द वीट टू समबडी लाइक मिस्टर बी विदाउट मेकिंग विदउटमेंटेशन रिकॉर्ड बिल वगैरह बना ही नहीं पूरा बिजनेस ऑफ द रिकॉर्ड चला गया मिस्टर बी परचेज डेटा एट 40,000 सेट अप द प्लांट इन अ रूम इन इज हाउस ओनली कहीं बाहर बोर्ड भी नहीं लगा है कि इसकी मिल है राइस की या की या किसी गांव में जंगल में प्लांट लगा लिया सर वहां पे मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी गांव में चलिए लगा लिया लॉजिक सुनना गया और प्रोसेस करके बी को बेचा बी ने बेचा सी को एट जब इसने खरीदा विदाउट बिल है कहां से बेचारा आगे मिस्टर सी को बेचते टाइम बिल देगा क्योंकि इसके पास कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड है ही नहीं मिस्टर सी इज ऑल्सो अ शॉपकीपर घर से ही बिजनेस कर रहा है

हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अ सिस्टम कॉल्ड वैक वैल्यू एडेड टैक्स हाउ दिस सिस्टम वुड बी वर्किंग प्लीज बी अ बिट अटेंटिव दिस प्लीज बी अ बिट अटेंटिव टू दिस मिस्टर ए द फार्मर सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज फोर्टी थाउजेंड हाउ मच वैल्यू ही हैज एडेड फोर्टी थाउजेंड रुपीज चिल्ड्रन पहले तो कुछ भी नहीं था बी ने फोर्टी थाउजेंड का सामान खरीदा और आगे सी को बेचा कितने में ही हैज एडेड द वैल्यू ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन किसने टेन एड किया बी ने सी बॉट इट एट फिफ्टी एंड सोल्ड एट सेवेंटी फाइव हाउ मच वैल्यू डिड ही एड गवर्नमेंट सेड भाड़ में गया स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट नाउ वील हैव मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम इन इंडिया हम हर पॉइंट पे टैक्स चार्ज करेंगे सो टेन परसेंट ऑफ फोर्टी थाउजेंड विल बी वॉट फोर थाउजेंड रुपी कलेक्ट करेंगे और किसको पे करेंगे गवर्नमेंट को इज दैट ओके मिस्टर बी से बोला जाएगा यू हैव सोल्ड द कमोडिटी एट वॉट प्राइस फिफ्टी थाउजेंड प्लीज पे अस टेन परसेंट ऑफ दिस हाउ मच ही एड किया है हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं हम आपको चोर समझते हैं आप फाइव हमको पे करिए हम रिकॉर्ड चेक करेंगे जब पता लगेगा कि फोर हमको यहां पर मिल चुका है हम इसमें से आपको फोर थाउजेंड रुपीज वापस कर देंगे तो नेट मिस्टर गवर्नमेंट की जेब में और कितना पैसा टैक्स आ गया चल गया वन थाउजेंड रुपी तो फाइव बी ने दिया गवर्नमेंट वन रख लेगी अपने पास और फोर वापस कर देगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चार हजार की कमाई हो गई एंड वन थाउजेंड की फिर हो गई नाउ मिस्टर बी ने सी को फिफ्टी थाउजेंड का प्रोडक्ट बेचा था सी फर्दर सोल्ड इट एट वॉट प्राइस चिल्ड्रन सेवेंटी फाइव थाउजेंड हाउ मच वैल्यू डिड ही एड मिस्टर सी से गवर्नमेंट कहेगी तुमने सेवेंटी फाइव थाउजेंड पे प्रोडक्ट बेचा है ही सेड यस बिल्कुल बेचा है, किसी से डर पड़ा है क्या चोरी की है क्या बिल्कुल बेचा है गवर्नमेंट ओके प्लीज गिव अस ऑफ ऑफ दिस दिस व्हाट इज ही वुड आल्सो एजिटेट एंड से मैं क्यों आपको पे करूं इतने पैसे जब मेरा वैल्यू एडेड सिर्फ ट्वेंटी फाइव है गवर्नमेंट सेट हम आपको भी चोर समझते हैं हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो हम आपसे अभी पूरा पैसा लेंगे चेक करेंगे और आने वाले टाइम में आपको कुछ पैसे वापस दे देंगे तो गवर्नमेंट ने इनसे सेवेंटी फाइव हंड्रेड लिया और इन्हें फाइव थाउजेंड वापिस कर दिया तो फ्रॉम हिम ऑल्सो गवर्नमेंट नेट रिसीव हाउ मच ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो एवरी पॉइंट पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है पहले बिजनेसमैन एक और चीटिंग करते थे जब गुड्स बिकेंगे तभी तो टैक्स आएगा वो गुड्स बेचते थे और बिल ही दो तो तीन महीने बाद काटते थे ताकि गवर्नमेंट को तुरंत तुरंत टैक्स का पैसा ना देना पड़े तो गवर्नमेंट की जो स्पीड ऑफ इनकम थी दैट आल्सो वेंट डाउन प्लानिंग करके जो सोशल एक्टिविटीज वेलफेयर एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है वो भी टाइम पे नहीं कंडक्ट हो पा रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा जैसे ही मिस्टर ए गुड्स ट्रांसफर करेंगे जट से इतना पैसा आ जाएगा एज सुन एज बी सेल्स इट इतना पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट की इनकम की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई साइकिल शॉर्ट हो गई बेसिकली लिक्विडिटी ज्यादा हो गई जिसको बोलते हैं समझ में आई बात जीएसटी में भी यही सिस्टम चलता है बट इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन इट इज एन ऑनलाइन सिस्टम क्योंकि मिस्टर ए ने प्रोडक्ट किसको बेचा इफ मिस्टर ए गिव द डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट एक करोड़ की आबादी में इंडिया में कम से कम दस करोड़ बिजनेसमैन है कैसे गवर्नमेंट मिस्टर बी को ढूंढेगी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट अफेयर मुश्किल नहीं कंप्यूटराइज करने से सर कैसे होगा ए जब बी को बेचेगा तो बी से कहेगा प्लीज गिव योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और वो पोर्टल में पुट कर देगा गवर्नमेंट के पास अपने आप डेटा आ गया कि ए हैज सोल्ड टू होम समझ में आ गया तो कंप्यूटर इजिली ट्रैक कर सकता है ह्यूमनाइज ट्रैक नहीं कर सकती लॉजिक समझ में आया चिल्ड्रन की नहीं पक्का समझ में आ रहा है सो so, अगर मिस्टर बी ने सामान खरीदा और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करिए दो तीन महीने में बेच ही हमको टैक्स देगा बी ने तीन महीने में रिवर्ट बैक किया ही नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी डिपार्टमेंट ए को प्रेम पत्र भेजेगा वी नो दैट यू यू हैव हैव बॉट गुड्स नॉट सबमिटेड दैट टैक्स अमाउंट हैव यू नॉट सोल्ड देम बी कहेगा हाँ हाँ हमने नहीं बेचा अभी गवर्नमेंट को कहीं से शक पड़ा कि झुट्टा एक नंबर का झूठ बोल रहा है इसके गोडाउन में छापा मारा गया शॉप पे पता लगा एक दाना लाई चने का भी नहीं था गोडाउन के अंदर मीनिंग टू से गुड्स बिक चुके हैं बिल नॉट ताकि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को ना देना पड़े बट पुराने जमाने में ट्रैकिंग करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था समझ में आई बात कि नहीं दिस इज द रीजन कि क्यों जीएसटी इंपोज किया गया खोपड़े में बात गई कि नहीं गई एंड पीपल मस्ट कि जब जीएसटी इंपोज होना था इंडिया में तो बहुत पुरानी बात तो नहीं है पांच साल पुरानी बात है काफी परेशान रहते थे। GST हो जाएगा, जाएगा, का दाम बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो गवर्नमेंट को टैक्स देते थे उन्होंने कभी GST को अपोज उन्होंने किया क्यों पहले तो हमने कितने का सामान खरीदा और कितने में उसको बेचा आई रिपीट एट वॉट प्राइस वी ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानता अब पोर्टल पे जब डेटा अपलोड होने लग गया तो आप गवर्नमेंट को सब कुछ बता चुके हैं तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है आई रिपीट हजार का सामान पचास हजार आप अपने की सैलरी वगैरह भी पे करोगे उसके बाद भी जो प्रॉफिट बचेगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सुनते सुनते आएंगे और टैक्स ले लेंगे आपसे तो अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं एकदम ईमानदारी से इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो मौसी जी मौसी जी को बता देंगी इसका हम खंगालते हैं इसको। तो आपकी नंबर से आपका आधार कार्ड पकड़ेंगे आपके आधार से आपका पैन लिंक है आपको प्रेम पत्र भेज देंगे इसीलिए पैन और आधार लिंक किए गए थे और अगर लोगों को पता होता कि पैन और आधार को लिंक होंगे हो सकता है आंख मेरी होती फिंगरप्रिंट आपके होते तो सबके दो दो आधार कार्ड बनते लोग दो दो पैन कार्ड लिंक करवाते साथ में ताकि हम दो दो नाम पे सरकार को टैक्स देके थोड़ा टैक्स बचा पाए खोपड़े में बात गई तो जो लोग भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेवकूफ समझते हैं आप समझ गए होंगे कि आप कितने अव्वल दर्जे के बेवकूफ है सरकार बेवकूफ नहीं है अगर वो आपको कुछ नहीं बोल रही है तो समझ लीजिए वो पापा हैं जो बच्चे की बदमाशी पे उसे डांट नहीं रहे बचपन है सुधर जाएगा सुधर जाएगा और जब नहीं सुधरते हैं पेपर में नाम आ जाता है इस इस मोहल्ले में पांच सौ करोड़ रुपए पकड़ा गया लॉजिक समझ में आया कि नहीं पक्का दिस अंडरस्टूड कैसे सिस्टम काम करता है चलिए सो so, चलन इंडिया में इट गॉट इंप्लीमेंटेड ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन एनी डाउट्स मेनी डाउट जीएसटी के टाइप्स जो आपको अकाउंटिंग करते टाइम यूज करने हैं अगर गुड्स एक स्टेट के अंदर ही खरीदे बेचे गए हैं या सर्विसेज दी ली गई हैं, तो जीएसटी दो पोर्शन में डिवाइड होता है सी जी एस टी एंड एस जी एस टी बट अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से खरीदा या किसी दूसरे स्टेट में बेचा इट इज कॉल्ड एज आई जी एस टी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स और अगर टेरिटरी में ऐसा चल रहा है अगली बात अब कुछ लोग बड़ा परेशान रहते हैं सर सुना है जीएसटी बड़ा डिफिकल्ट है उतना भी नहीं जितना आपने सुना है कुछ लोगों ने जान बूझ के डरा दिया है लॉजिक समझ में आ रहा है मेरी बात सुनाई पड़ी तो जीएसटी का ब्रह्मास्त्र मेरे सामने है जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे आप टैक्स पे करेंगे इट्स एन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंस इज इन द नेम ऑफ सीजीएसटी एस जी एस टी और यूटी जीएसटी सर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में काहे और नहीं लगाया इनकम हो गई थी ये दोनों साथ में रहते हैं हमेशा मेड फॉर इच अदर है ओके एंड व्हेन यू सेल द गुड्स जीएसटी कलेक्टेड चिल्ड्रन प्लीज खबरदार कोई विजय माल्या बना सर ये इनकम है इनकम नहीं है हिटसा लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा खोपड़े में बात गई या नहीं गई कंफर्म कंफर्म चिल्ड्रन चलिए मैं सो so कॉल्ड थोड़ा कॉन्सेप्ट पे पीछे जा रहा हूं और ए और बी वाले एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ कॉम्पोजिशन समझा रहा हूं जो वैल्यू एडेड था टैक्स लिखा था मैंने उसमें दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे इसकी अकाउंटिंग हैज टू बी डन सबको स्क्रीन विजिबल है चलो एनी डाउट्स मेनी डाउट्स चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बी अटेंटिव ऑन दिस चिल्ड्रन मिला सबको चलिए चिल्ड्रन मिस्टर ए ने गुड्स किसे बेचे थे

एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट में बेचा दो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही विल कलेक्ट टैक्स और ही पे टैक्स सो टैक्स कलेक्शन इज अबिलिटी आप इस टैक्स को क्रेडिट करेंगे बींगा लाइबिलिटी और इसके लिए टैक्स यूज होगा कॉल्ड एज चिल्ड्रन आउटपुट इट कुड बी सी जी एस टी इट कुड बी एस जी एस टी बींग अबिलिटी आपने इसको क्रेडिट करना है सर आउटपुट वर्ड क्यों यूज किया गया है बिकॉज यू आर जेनरेटिंग सम इनकम फॉर द गवर्नमेंट इट्स एन आउटपुट टू द इकोनॉमी सामान खरीदा है तो इट्स अ परचेज और सेल चिल्ड्रन वेन वी बाय गुड्स वॉट एंट्री डू वी पास वॉट एंट्री डू वी पास चिल्ड्रन परचेज अकाउंट डेबिट कैश में खरीदा तो कैश और अगर उधार में खरीदा तो क्या लिखेंगे आप ऐसे खरीदा क्या लिखेंगे आप टू एज अकाउंट इतनी बात सबको समझ में आ रही है एनी डाउट मेनी डाउट्स आपने अगर गुड्स खरीदे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपने टैक्स भी पे किया होगा सो चल इट्स एन एक्सपेंस और इनकम इट्स एन एक्सपेंस इट बी सी जी एस टी इट कुड बी एस जी एस टी बिकॉज वैल्यू इज गोइंग इन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट दैट्स वाई आई कैन मेक आउट द टैक्स यूज वुड बी इनपुट सो जब आपने कंट्री में गवर्नमेंट के लिए रिसोर्सेस क्रिएट किए तो कुछ आउटपुट निकल के आया है इसलिए टैक्स यूज कर लिया आउटपुट क्योंकि पैसा जा रहा है गवर्नमेंट की जेब में इट इज गोइंग इन सो वी कॉल इट एज इनपुट बट इसका क्या और रीजन हो सकता है दुनिया की किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो आप गवर्नमेंट के लिए कमाई लेके आ रहे हैं आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिएबिलिटी नॉट एन इनकम सर इनपुट को क्यों डेबिट किया इट इज गोइंग इन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट यही एक वजह मेरे को समझ में आती है देर आफ्टर चिल्ड्रन मिस्टर ए ने सॉरी बी ने सामान बेचा किसको कैश में बेचा तो कैश मस्ट इन क्रेडिट में बेचा तो सीज द रिसीवर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट सीज अकाउंट या अकाउंट डेबिट टू सेल्स अगेन ही वुड कलेक्ट सम समी ये सो इट इज अ लाइबिलिटी सो वील क्रेडिटेड और वील डेबिटेड बचो वील क्रेडिटेड इन द नेम ऑफ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट दूसरे स्टेट के साथ अगर काम हो रहा है बिजनेस हो रहा है इन दोनों की जगह क्या यूज करेंगे yes. और दो बार आउटपुट ना लिख देना एक ही बार लिखेंगे सो पे टैक्स इट्स एन एक्सपेंस डेबिट सेलर वेन यू कलेक्ट इट्स अटी नॉट एन इनकम वेरी गुड सर्टन डोंकि जिनको असर भी नजर आती है इसमें सी ने गुड्स बी से खरीदे पास द एंट्री फॉर परचेज और सेल चिल्ड्रेन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में खरीदा तो कैश और क्रेडिट में खरीदा तो डीज अकाउंट टैक्स भी पे कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की जेब में कुछ पैसे कुछ इनकम क्रिएट कर रहे हैं इट इज गोइंग इन टू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट नॉट गवर्नमेंट इट्स गवर्नमेंट समझ में आ गया वाई बी डेढ़ सो चलन Why did so? कुछ लोग एंट्री ऐसी है बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल ये भी एक एंट्री है इनपुटी एस जीएसटी क्यों डेबिट किया सबको समझ में आ गया yes, तो बस ये दो बातें आप अगर याद रखेंगे का expense, debit, सेल के साथ जब वसूला गया तो लाइबिलिटी क्रेडिट प्लीज फुट दिस वेरी क्विकली विद एग्जाम्पल चल रहा वेन यू हैपन टू जनरेट इनकम फॉर योर सेल्फ आप भारत सरकार के कृष्ण हैं सारथी हैं आप उनके लिए भी कमाई जनरेट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ आउटपुट जीएसटी समझ गए तो एक तरह जिस साइड सेल होगा उस साइड जीएसटी जिस साइड परचेज होगा उस साइड जीएसटी जैसे कैश में और डिस्काउंट में हम साथ साथ था होता यही है बट डोंट डोन्ट चिल्ड्रन तो ऑलवेज वेन देर आर इनकम टैक्स कलेक्टेड इज अ एज अलिटीट ऑलवेज वेन देर आर एक्सपेंसिस